तो हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनको YouTube चैनल क्रिएट करना तो आसान ही जाता है, लेकिन हम इसमें YouTube वीडियो क्रिएट YouTube चैनल अपना खुद का क्रिएट करके देन उसका फुल SEO सेटअप यहाँ पर करेंगे। तो YouTube चैनल को भी सेटअप करना बहुत ही ज़रूरी है, आप अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई वगैरह करके यहाँ पर सेटअप। तो इस वीडियो में पूरी आपको जानकारी मिलने वाली, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहो। और पिछला वीडियो हमने यहाँ पर बात किया था कि आप पूरी प्लानिंग के साथ 2020-21 यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हो, आप YouTube चैनल क्रिएट आना चाहते हो YouTube पर, तो आपको प्लानिंग के साथ आना है। तो उस वीडियो का अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहो, आपको लास्ट में उस वीडियो का यहाँ पर मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली उस वीडियो को देख सकते हो कैसे आपको प्लानिंग के साथ यहाँ पर आना है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हमने आपको मोबाइल स्क्रीन पर ही जाकर और एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करेंगे, देन आपको इसके लिए दो एप्लीकेशन भी बहुत ही नेसेसरी है जिनके साथ आप यूट्यूब वीडियोज़ को अपलोड करते हो, तो उनका SEO वगैरह एंड एडिट्स वगैरह कर सकते हो। तो इसके लिए एप्लीकेशन यहाँ पर आपको वीडियो लास्ट में ही मिलेगा, उस पर क्लिक करके देख लेना, वो एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही नेसेसरी है अगर आप एक यूट्यूबर हो तो। तो चलो सबसे पहले मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं एंड देन अपना यूट्यूब का एक चैनल क्रिएट करके एंड उसको सेटअप करते हैं। तो चलो सिंपली मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। हम लोग अपने गूगल में आ चुके हैं, तो देन अपने ईमेल आईडी से सबसे पहले लॉगिन कर लो जिस पर भी आपको यूट्यूब का अपना चैनल क्रिएट करना है। तो देखो यहाँ पर मैं इस ईमेल आईडी पर मेरा ऑलरेडी है, फिर भी मैं आपको एक क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो अगर आप पहली बार जो अपना एक ईमेल आईडी से आप चैनल क्रिएट कर सकते हो, एक से ज़्यादा आप क्रिएट कर सकते हो एक ईमेल आईडी से, तो सबसे पहले ये रीडायरेक्ट कर दे रहा है यूट्यूब में। तो अभी मेरे को दूसरे ब्राउजर में जाना पड़ेगा, ये क्रोम ब्राउजर है तो रीडायरेक्ट कर देता है आपके पास एप्लीकेशन है तो, नहीं तो अगर आप दूसरा ब्राउजर एक्सटर्नल डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, नॉन चाइनीज ही डाउनलोड करना। मैं आपको वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है जो आप विदाउट चाइनीज नॉन चाइनीज एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो और डेस्कटॉप वर्जन में। तो यहाँ पर चलो सबसे पहले मैं लॉगिन करने के बाद youtube.com साइट ओपन कर लेता हूँ अदर ब्राउजर में। तो चलो क्रोम ब्राउजर के भी अंदर जो रीडायरेक्ट कर देता है उसमें भी अगर आप डायरेक्टली www.youtube.com डायरेक्टली URL को टाइप करके सर्च करोगे तो वो रीडायरेक्ट नहीं करता है। तो देन हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो सबसे पहले एक स्विच कर लेते हैं जिस भी अकाउंट पर हमें नया चैनल क्रिएट करना है। तो सबसे पहले स्विच कर लो, तो स्विच अकाउंट पर क्लिक करना है देन अपना स्विच कर सकते हो। तो गाइज़ अगर आपका ये नॉर्मल अकाउंट भी है, मतलब अभी तक आपने चैनल में क्रिएट नहीं किया है, तो उसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाता है सब्सक्राइब का, तो अभी आप पब्लिक में नहीं किए होगे। तो अगर आप अभी इसको योर चैनल में जाकर यहाँ पर सेटिंग वगैरह करोगे तो अभी ये आपका चैनल नहीं है, कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करने के बाद देन आप अब यहाँ पर अपना चैनल क्रिएट कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको जैसे जैसे स्टेप्स मैंने आपको दिखाया देन आपको ऐसे करते जाना है, studio.youtube.com चैनल आपका ये ओपन हो जाएगा, न्यू चैनल ये आप क्रिएट कर रहे हो। तो सबसे पहले आप ईमेल आईडी अपना लॉगिन करना है अपने क्रोम ब्राउजर में अगर आपका ऑलरेडी है तो, ठीक है। देन आप यहाँ पर आ जाओगे, देन आपका ये यूट्यूब चैनल क्रिएट हो चुका है, ये आपका लिंक मिल चुका है, ऐसे ही डायरेक्टली क्रिएट हो जाता है अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो। चैनल का यहाँ पर ट्रेलर ऐड कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, ऐड सेक्शन सभी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। देन आप SEO की बात कर लेते हैं, मैंने आपको बताया कि SEO के साथ अगर आप चैनल क्रिएट करोगे तो ज़्यादा रैंकिंग भी होगा और आपका कैटेगरी यूट्यूब समझ जाएगा कि आप किस कैटेगरी किस चैनल पर वीडियोज़ ला रहे हो, तो उस प्रकार से आपको व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो देन आपको जो आप योर चैनल में आओगे तो स्टूडियो में, तो देन यहाँ पर सबसे पहले आप टू स्टेप वेरीफिकेशन को ऑन कर लो, क्योंकि अगर आप यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रहे हो तो हैकिंग वैकिंग अभी ज़्यादा हो रहे हैं, तो अगर आप टू स्टेप वेरीफिकेशन गेट स्टार्ट करके ऑन कर देते हो तो आपका जब भी कोई ईमेल आईडी लॉगिन करेगा या फिर करोगे आप भी खुद, तो टू स्टेप वेरीफिकेशन का मतलब होता है कि अगर आपको पासवर्ड पता है फिर भी आपको OTP सेंड करके दोबारा से ओके करना होगा पासवर्ड डालने के बाद, एंड नहीं तो आप वन टैप में भी कर सकते हो। वन टैप यानी कि अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा जिस मोबाइल में अपना ईमेल आईडी लॉगिन किया हो, देन यहाँ पर वन टैप करके यहाँ पर आप कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सेटिंग में चले आना है, देन आपको यहाँ पर चैनल का ऑप्शन मिल जाएगा। चैनल में आने के बाद देख सकते हो काफ़ी सारे यहाँ पर, आप यहाँ पर गूगल अकाउंट में जाकर यहाँ पर अपना चैनल का नाम चेंज कर सकते हो, यहाँ पर गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है। देन अभी आप पहला चैनल क्रिएट करोगे तो जिस नाम से आपका ईमेल आईडी है उसी नाम से यहाँ पर आपका यूट्यूब चैनल क्रिएट होगा। देन यहाँ पर देख सकते हो मनीष कुमार है, तो इसको आप चेंज करके यहाँ पर एडिट का बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करोगे अपना यूट्यूब चैनल का नाम यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो चलिए मेरे को अभी आपको दिखाना है तो मैं इसे चेंज नहीं करूँगा, मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से आप अपने यूट्यूब चैनल का सबसे पहले नेम डिसाइड कर लो, देन आप सबसे पहले चेंज कर लो। चेंज करने के बाद चलो यहाँ पर हम लोग एक यूट्यूब में चले जाते हैं, तो देखो यहाँ पर आपको चैनल के सेक्शन में आना है, देन यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लोगे, फिर यहाँ पर कंट्री आपको सिलेक्ट करना है किस कंट्री से आप एग्जैक्ट कहाँ से आप रह रहे हो, वहाँ पर आप वीडियोस मतलब अगर आप हिंदी में वीडियोस बना रहे हो तो इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो ताकि आपको अच्छे खासे व्यूज़ आए एंड आपका इंप्रेशंस भी जो जाए वो इंडियन लोगों के लिए उनके इंटरेस्ट के अनुसार जाए। तो सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट कर लेना है जिस भी आप कैटेगरी से हो,
तो आप अगर दूसरे अदर कंट्री में हो तो अदर सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपको सभी कंट्रीज यहाँ पर मिल जाएंगे। देन यहाँ पर आता है मेन फंडा, कीवर्ड्स को ऐड करना है। देखो गाइज, यहाँ पर अगर आप जिस रिलेटेड अपना वीडियो डालोगे, अगर माइक्रोनी सिलेक्ट किए हो तो उसके लिए आपने कीवर्ड सर्च करके रखा होगा, नहीं किया तो कीवर्ड सर्च करने के लिए वीडियोज़ भी आ जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करो, आपको मिलेगा। आगे कीवर्ड्स फाइंड करने का भी तरीका मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर आपको कीवर्ड्स ऐड करने, इस प्रकार से आप कीवर्ड्स को ऐड कर दो सबसे पहले। देन आपका ये जो YouTube चैनल का SEO कंप्लीट हो जाएगा। देन आपको डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा सा लिखना पड़ता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर कीवर्ड कम से कम 30 कीवर्ड्स आप ऐड कर दो जो आपके कैटेगरी नीश के रिलेटेड हो। आप 50% SEO यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हो। देन आपको मैंने कीवर्ड्स को आपको ऐड कर लेना है। देन आपको फिर से डैशबोर्ड में आने के बाद यूट्यूब चैनल पर चले जाना है। अभी देखो यहाँ पर कस्टमाइज चैनल, यहाँ पर काफ़ी सारे मैनेज वीडियोज, तो अभी आपने कोई सा भी कंटेंट अपलोड नहीं किया है तो यहाँ पर अबाउट का आपको सेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर अबाउट के सेक्शन में आना है। सिंपल सा अबाउट में आओगे, देन यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है, अभी तो इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐड वैड नहीं किया है, मतलब कि मेरा जो इसका रैंकिंग वैंकिंग है, मैंने कोई सा भी इसमें कंटेंट ही अपलोड नहीं किया है। तो अभी आप अबाउट में आपको डिस्क्रिप्शन राइट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, देख सकते हो यहाँ पर नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, अगर मैं अपना जो जो मेरा चैनल वाला ईमेल आईडी है उस पर मैं स्विच करूं तो उसमें आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी लिख रखा है, तो मैं सबसे पहले आपको वो दिखाता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो ये मेरा जो हमारा चैनल है, हम लोगों का अपना चैनल है, उसका यहाँ पर देख सकते हो डैशबोर्ड में हम लोग आए हैं योर चैनल में। देखो इसके अबाउट सेक्शन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मैंने अच्छे से SEO कंप्लीट करके यहाँ पर लिखा हुआ है, और मैंने हैशटैग्स अपना चैनल का क्रिएट करके रखा है अपने नेम से ताकि सबसे टॉप पर मेरा ही चैनल आए। तो और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बिजनेस ईमेल आईडीज वगैरह दिए हुए हैं, और सोशल मीडिया को आपको लिंक करना है। अगर आप यूट्यूब पर आ रहे हो तो सबसे पहले अपना सोशल मीडिया सेटअप कर लो, जो भी फेमस सोशल मीडियाज है उन पर अपना अकाउंट सबसे पहले क्रिएट कर लो यहाँ पर लिंक करने के लिए, क्योंकि अगर यूट्यूब के साथ अपने सोशल मीडिया के साथ भी अपने सब्सक्राइबर्स का बेस यहाँ पर क्रिएट रखा करो। तो बस ये था SEO, आप कंप्लीट कर लो, इससे आपका रैंकिंग पर बहुत ही अच्छा फर्क पड़ता है कीवर्ड से और डिस्क्रिप्शन से, तो ये बहुत ही मैटर करता है। आप इसको SEO कंप्लीट कर लो, और यूट्यूब चैनल आप क्रिएट करना सीख लिए हो अपने मोबाइल फ़ोन से। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको किस प्रकार से प्लानिंग के साथ सबसे पहले यूट्यूब चैनल क्रिएट करने से पहले उस प्लानिंग के साथ आपको आना है, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। तो यहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा एंड में, एंड देन यहाँ पर आपको नॉन चाइनीज एप्लीकेशन ब्राउजर जो डेस्कटॉप मोड इनेबल हो जाएंगे उस वीडियो को भी देख लो, आपको एक ब्राउजर मिल जाएगा जिसमें आप ऑलरेडी यूज कर सकते हो सैमसंग इंटरनेट या फिर इंडेक्स ब्राउजर किसी का भी यूज कर सकते हो, ऑलरेडी डेस्कटॉप मोड इनेबल हो जाता है बस। तो आप यहाँ पर YouTube चैनल यहाँ पर क्रिएट करके मोबाइल स्क्रीन पर मैंने आपको दिखा दिया, देन आप भी क्रिएट करके यहाँ पर सेटअप SEO वगैरह कर सकते हो अपने इसी तरीके से। आप यहाँ पर सबसे पहले कर लो, और पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको रेगुलर रहना अपना, आप टाइमिंग कर लो कि इसी टाइम पर आपका वीडियोस इस टाइम पर आएगा। तो आप शुरू में पेशेंस के साथ तो आपको वर्क करना ही पड़ेगा, पेशेंस के साथ वर्क करो और आप भी सक्सेस हो पाओगे। तो यहाँ पर चैनल क्रिएट करना और SEO करना इस वीडियो में यही टॉपिक था, और लगातार मैंने आपको पिछले वीडियो में प्लानिंग के साथ बताया, तो उस प्रकार से आप वीडियोस अपना प्लानिंग के साथ कैटेगरी जो भी आप सिलेक्ट कर लिए हो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो सिलेक्ट कर लिए हो तो यहाँ पर वो वीडियो आ रहा होगा, और यहाँ पर उस वीडियो जिसमें दो एप्लीकेशन आपको लिए नेसेसरी है इस वीडियो यहाँ पर आ रहा होगा। देन यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हो। तो बस मैंने आपको सभी यहाँ पर बता दिया, तो इस वीडियो में इतने, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।